हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मिनटॉक इंडिया, जहां पे हम डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड प्रॉपर नोट्स के साथ हमारे चैप्टर को समझते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर फ्रॉम योर एनसीईआरटी क्लास 7th मैथमेटिक्स, दैट इज चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स, एंड दिस इज पार्ट 1 वीडियो, जिसमें हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को समझेंगे। इस चैप्टर के जो बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे पार्ट वाइज, और यू विल सी द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 7th मैथमेटिक्स इन मिनटॉक इंडिया चैनल। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस का इस्तेमाल हम हमारे बहुत सारे ड्राइंग्स करने में करते हैं, और इसको हमने पिछले साल ही थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव ऑलरेडी लर्नड। द फर्स्ट थिंग वी लर्नड अबाउट अ लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट एक ऐसा लाइन होता है जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, इसलिए हम इसे दोनों तरफ डॉट से डिनोट करते हैं। कुछ इंग्लिश के लेटर्स लिखते हैं ताकि हम इस लाइन सेगमेंट का एक नेम लिख सके। सो हियर इन दिस फिगर ए वी कैन सी लाइन सेगमेंट पी क्यू। नेक्स्ट वी ऑल्सो लर्नड अबाउट अ रे। एक रे ऐसा लाइन होता है जिसका एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा वाला एंडलेस होता है, इसीलिए स्टार्टिंग पॉइंट को हम डॉट से डिनोट करते हैं और जो एंडलेस पॉइंट होता है वहाँ पे हम एक एरो से डिनोट करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड अ रे। और उसी के ऑपोजिट एक ऐसा लाइन जिसके दोनों तरफ हम एरो दिखा के डिनोट करते हैं वो एक सिंपल लाइन होता है। इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स। पॉइंट टू हियर नोटिस, एक लाइन में हम बहुत सारे अनलिमिटेड पॉइंट्स बना सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ एन एंगल। जब भी कोई भी दो रेज या फिर दो लाइन या फिर दो लाइन सेगमेंट आपस में मीट करते हों या इंटरसेक्ट कर रहे होते हों वहाँ पे एक एंगल बनता है। तो जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है विद द हेल्प ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, बी सी इज़ अ लाइन सेगमेंट एंड सी ए इज़ अ लाइन सेगमेंट, एंड इनसाइड 3 एंगल्स आर फॉर्मिंग हेयर। और उसी तरीके से यहाँ पे इस फिगर में दो लाइन दिखाए गए हैं, और ये जो दो लाइन्स है ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं, वहाँ से एंगल तैयार होता है। जैसे पी ओ एस द एंगल इज़ फॉर्मिंग हेयर, एस ओ क्यू एंगल इज़ फॉर्मिंग हेयर, क्यू ओ आर द एंगल फॉर्म हेयर, एंड आर ओ पी द एंगल इज फॉर्मिंग हेयर। After that, we have also studied about acute angle, obtuse angle and right angle. जो angle less than 90 degree होता है उसे हम acute angle बोलते हैं। जो angle exact 90 degree का angle बनाता है उसे हम right angle बोलते हैं। और जो angle more than 90 degrees होता है लेकिन less than 180 degrees होता है, ऐसे angle को हम obtuse angle बोलते हैं। आफ्टर दैट, जो एंगल एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा बनाया जाता है उसे हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, और इसका मेजर हमेशा 180 डिग्रीज ही होता है। और लास्ट वाला, जो एंगल मोर देन 180 डिग्रीज का हुआ और लेस देन 360 डिग्री का हुआ, ऐसा वाला एंगल हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। और अगर हम एक ऐसा एंगल कंसिडर कर रहे हैं जो 360 डिग्रीज का होता है पूरा गोल घुमा के, तो उसे हम कंप्लीट एंगल बोलेंगे। नेक्स्ट, व्हाट आर रिलेटेड एंगल्स। जब भी दो एंगल्स को ऐड करने से हमें 90 डिग्री मिलता है तो ऐसे दो एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे फिगर में 30 डिग्री का एंगल है और 60 डिग्री का एंगल है, 30 प्लस 60 इज़ इक्वल टू 90 डिग्रीज, सो दैट इज़ वाई वी कैन से दैट 30 डिग्री एंगल एंड 60 डिग्री एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। उसी के ऑपोजिट अगर हमें मान लीजिए एक एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है और दूसरे एंगल का मेजरमेंट नहीं दिया, वो हमें निकालने को बोला गया है और ये हमें बताया गया है कि ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो हम 90 में से इस 60 को माइनस कर लेंगे, 90 माइनस 60 वी विल गेट आवर रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज 30 डिग्री। थिंक, डिस्कस एंड राइट। कैन टू एक्यूट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर? यस। अभी अभी हमने देखा 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, इन्हें ऐड करने से हमें 90 डिग्री बनता है, दैट मीन्स दीज टू आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एंड ऑल्सो बोथ ऑफ देम आर एक्यूट एंगल्स। नेक्स्ट इज, कैन टू ऑप्ट्यूज एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर? इसका आंसर स्ट्रेट अवे नो, क्योंकि ऑप्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री होता है और कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए हमें टोटल तो 90 चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता।
एंड देन थर्ड इज कैन टू राइट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. इसका आंसर भी नो है क्योंकि राइट एंगल का मेजर ही 90 डिग्री का होता है. तो 90 डिग्री तो एक में ही बन गया, दूसरा वाला एंगल हम क्या लेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री दोनों नहीं बन सकता क्योंकि दोनों को मिला के 90 हमें बनाना है. दैट इज व्हाई दिस आंसर इज नो. नेक्स्ट लेट अस सी ट्राई दीज क्वेश्चंस. व्हिच पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री? 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री, इन दोनों को ऐड करने पे हमें मिलता है 90 डिग्री. सो यस, दीज टू आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर. उसके बाद अगला है 75 डिग्री एंड 25 डिग्री, इन्हें ऐड करने पे हमें 110 डिग्री मिलता है जो कि 90 से ज़्यादा हो गया. सो दीज आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर. तीसरा वाला है 48 डिग्री एंड 52 डिग्री, इन्हें ऐड करने पे वी गेट 100 डिग्री, अगेन 90 से ज़्यादा हो गया. सो दीज टू पेयर आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. एंड देन लास्ट वन इज 35 डिग्री प्लस 55 डिग्री, इन्हें ऐड करने पे हमें 90 डिग्री मिलता है. सो यस, दिस पेयर इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. After that, next question is, what is the measure of the complementary of each of the following angles? Number one is 45. Iska complementary kya hoga? 45 plus what will give us 90 degree? Toh uske liye hum 90 mein se 45 ko subtract kar lenge. 90 minus 45 is 45 degree only. Next is 65 degree angle ka complementary kya hai? 90 degree minus 65 degree. We will get 25 degree as an answer. तीसरा है 41 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? 90 माइनस 41 दैट इज 49 डिग्री वी विल गेट. एंड देन लास्ट वन इज 54 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री वी विल गेट 36 डिग्री आंसर. तीसरा क्वेश्चन है, द डिफरेंस इन द मेजरमेंट ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 12 डिग्री, फाइंड द मेजर्स ऑफ द टू एंगल्स. दो एंगल्स हैं, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, मतलब इन्हें ऐड करेंगे तो हमें 90 डिग्री मिलेगा. और वहीं पे इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 12 डिग्री ऑलरेडी हमें गिवन है. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमने पढ़ा था इस तरीके के, अगर हमें वेरिएबल्स निकालने हैं तो उसे हम एक्स और वाई मान लेते हैं. लेट द मेजरमेंट बी एक्स एंड वाई डिग्री. यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस बन गए. अब इन दो इक्वेशंस को हम कर देते हैं ऐड, दैट इज प्लस. So we get x plus x and then plus y plus minus y equal to ke other side 90 plus 12 112 degree. Now how to solve equations? आपने already पढ़ लिया है. x plus x is equal to 2x और यहाँ पे plus minus होता है minus and then plus minus is again minus, y minus minus is 0. तो क्या मिलता है? LHS में 2x और RHS में 112 degree. नाउ हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं. 2 को हम डिनोमिनेटर में लाके, ट्रांसपोजिंग ऑफ नंबर्स हमने सिंपल इक्वेशंस में ही पढ़ा था. सो x इज 112 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 एंड देन 112 को 2 से डिवाइड करके हमें मिलेगा 78 डिग्री. ये है एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री y क्या होगा? हमें ऑलरेडी पता है x प्लस वाई इक्वल टू 90 है. तो 90 में से हम x का वैल्यू माइनस कर देते हैं, दैट मीन्स 90 माइनस 78, तो हमें मिल जाएगा 39 डिग्री. और यही है दूसरे वाले एंगल की वैल्यू. नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल. जब भी दो एंगल्स को ऐड करके हमें 180 डिग्रीज मिल जाए तभी उन दोनों एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे. जैसे यहाँ पे 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री वी गेट 180 डिग्री. सो दीज टू आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. इन दीज टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स ऑल्सो अगर हमें एक एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है और दूसरा वाला नहीं दिया, वो हमें फाइंड आउट करना है, तो 180 में से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 120, तो हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा. 180 माइनस 120 इज 60 डिग्री एंड दैट ओनली विल बी आवर आंसर. वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सप्लीमेंट्री एंगल हमेशा एक एक्यूट एंगल और एक ऑब्ट्यूस एंगल के एडिशन पे ही बनता है. या फिर अगर हम दो राइट एंगल्स को ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो हमें 180 डिग्रीज मिल सकता है. सो इन दीज टू केसेस ओनली टू एंगल्स विल बी सप्लीमेंट्री टू ईच अदर. सो डू यू थिंक टू ऑब्ट्यूस एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट्री टू ईच अदर? द आंसर इज नो. सपोज वी हैव टू ऑब्ट्यूस एंगल्स 120 डिग्री एंड 130 डिग्री, इन्हें हम ऐड करेंगे, वी विल गेट 250 डिग्री विच इज़ मच मोर देन 180, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हुए. कैन टू एक्यूट एंगल्स बी सप्लीमेंट्री? अगेन द आंसर इज नो.
लेट्स टेक एनी टू एक्यूट एंगल्स 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री, हमें टोटल मिलेगा 70 डिग्री, विच इज़ अगेन नॉट अ सप्लीमेंट्री एंगल, 180 तो बना ही नहीं। आफ्टर दैट कैन टू राइट एंगल्स भी सप्लीमेंट्री, आवर आंसर इज येस, हमेशा दो राइट एंगल को जब हम ऐड करते हैं दैट इज 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 90 प्लस 90 हमें हमेशा 180 डिग्री देगा एंड दैट इज सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। लेट अस ट्राई दिस, फाइंड द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स अमंग दीज फिगर्स। सबसे पहला है 110 डिग्री एंड 50 डिग्री, इन्हें ऐड करते हैं हमें मिलता है 160 डिग्री, विच इज़ नॉट 180, तो ये पेयर सप्लीमेंट्री नहीं है। लेट अस सी द नेक्स्ट वन, 105 डिग्री एंड 65 डिग्री, लेट अस ऐड, वी विल गेट 170 डिग्री, जो 180 नहीं है, सो दीज टू आर ऑल्सो नॉट सप्लीमेंट्री एंगल्स। लेट अस सी द थर्ड पेयर, 50 डिग्री एंड 130 डिग्री, एक एक्यूट एंगल है और एक ऑब्ट्यूस एंगल है, दोनों को ऐड करने पे हमें मिलता है 180 डिग्री, सो दिस पेयर इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंड द लास्ट वन इज 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, दो एक्यूट एंगल मिला के कभी भी सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बनाते, फिर भी ऐड करते हैं 45 प्लस 45, वी विल गेट 90 डिग्री, विच इज़ नॉट 180, तो ये वाला पेयर भी सप्लीमेंट्री नहीं है। सेकेंड वाला है, वॉट विल बी द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अगर एक एंगल 100 है तो दूसरा पेयर का क्या मेजर होगा ताकि इन दोनों को ऐड करने पे 180 मिले। सिंपल, 180 माइनस 100, वी विल गेट 80 डिग्री एज द सेकेंड एंगल। 90 डिग्री है पहला एंगल, दूसरा वाला एंगल क्या होगा, 180 माइनस 90, द मेजर ऑफ अदर एंगल इज 90 डिग्री। तीसरा वाला है, एक एंगल अगर 55 डिग्री है तो दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल का मेजर क्या होगा, 180 माइनस 55, वी विल गेट 125 डिग्री एज आवर आंसर। एंड देन द लास्ट वन इज 125 डिग्री, अगर एक एंगल है तो उसका सप्लीमेंट्री पेयर क्या होगा, 180 माइनस 125, वी विल गेट 55 डिग्री एज आवर आंसर। लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन, अमंग टू सप्लीमेंट्री एंगल्स द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल इज 44, लार्जर एंगल जो है वो 44 डिग्री मोर है देन द मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल। अब देखिए सप्लीमेंट्री एंगल कैसे बनता है, एक एक्यूट एंगल होता है और एक ऑप्ट्यूस एंगल के एडिशन से ही 180 बनता है, करेक्ट। नाउ जो बड़ा वाला लार्जर एंगल है दैट इज 44 मोर देन द स्मॉलर एंगल दैट इज एक्यूट एंगल, वी हैव टू फाइंड द मेजर। तो इसके लिए भी हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा, एक्यूट एंगल मान लेते हैं x और ऑप्ट्यूस एंगल मान लेते हैं y, और हमें ये भी पता है कि y का जो मेजर है वो इस x वाले से 44 ज़्यादा है, दैट मीन्स y इज इक्वल टू x प्लस 44, x से 44 डिग्री ज़्यादा है y। अब हम x प्लस वाई जो कि सप्लीमेंट्री टू ईच अदर है ऐसा इक्वेशन हम बना सकते हैं, x की जगह पे x ही लिख सकते हैं और y की जगह पे x प्लस 44 लिख सकते हैं, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं हमें मिलता है 180 डिग्री। x प्लस x इज 2x प्लस 44 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ट्रांसपोजिंग प्लस 44 टू राइट हैंड साइड, 2x is equal to 180 minus 44, that is equal to 136 degree। अब हम 2 को ट्रांसपोज कर देते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में, दैट इज x इज इक्वल टू 136 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2 वन ज़ा 2 एंड 2 68 ज़ा 136, सो मेजरमेंट ऑफ एंगल x इज 68 डिग्री, और दूसरा वाला क्या होगा, y है x से 44 ज़्यादा, सो 68 में अगर हम 44 ऐड कर देते हैं हमें मिलता है 112 डिग्री, और वो है y का मेजरमेंट। इसी तरीके के और भी बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम हम एक्सरसाइज 5.1 में करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड, विल मीट वेरी सून, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।